30 केजी वाला में आप नंबर लगाए हुए हैं, आपका तो वजन जो है 36 केजी है, 36 कैसे हो गया? तो तुम नापा नहीं, तो ना बहुत दिन से नापे नहीं थे, छट जाइएगा। तो इसलिए कहता है केन्साय पहला काम किए क्या कहे कि एम जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है सप्लाई ऑफ मनी कॉन्स्टेंट, और तब इस इक्वेशन को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है किसका, केन्स का। हम लोग का टॉपिक क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और बाय केन्स, ये सब आपको बैकग्राउंड में बताया है, कैश बैलेंस अप्रोच। तो अब देखिए हम लोग के सामने इक्वेशन क्या आ गया, पी आ गया, ई हो गया के, के हो गया डिमांड फॉर मनी, के क्या हो गया, तो ये नीचे है पी ऊपर है, तो दोनों में कैसा संबंध हो जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो हायर द डिमांड फॉर मनी लोअर द प्राइस लेवल, और लोअर द डिमांड फॉर मनी हायर द प्राइस, यही बात है। देखिए यहाँ लिखा हुआ इफ डिमांड फॉर मनी डिक्रीज प्राइस लेवल राइज, तो हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला केन्स का कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम दिखाई दे रहा है, हायर द डिमांड फॉर मनी लोअर द प्राइस लेवल, और इसको उल्टा करने के लिए क्या लिख देते, वाइस वाइस वर्सा, उसी को उलट दी। यही हो गया केन्स का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इन्होंने मार्शल जो के दिया और रॉबर्टसन ने जो के दिया उससे ज्यादा के दिया ही, कहा कि व्यक्ति तो रखना चाहती है, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें सीआरआर रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है, वही आर है, ये आर क्या है कैश रिजर्व रेशियो, आर हो गया कैश रिजर्व रेशियो, और के डैश क्या है, के डैश क्या है आइडल डिमांड फॉर क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी भी जो है आप आइडल रखे, जैसे आप क्रेडिट मनी आप लिए कर्जा लिए और 20,000 कर्जा लिए हैं किसी काम के लिए, तो थोड़ा बढ़ा के लेने का आदत है, देना है 18,000 ले लिया 20,000, तो वो जो 2,000 है वो क्या हो जाएगा, आइडल के डैश हो जाएगा, आइडल के डैश हो गया। जो कर्ज का रुपया है वो अगर आप आइडल रखते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आइडल क्रेडिट मनी बैलेंस। मनी दो तरह का बताया, एक लीगल टेंडर हुआ, एक हो गया क्रेडिट मनी। तो माने क्रेडिट मनी आप लिए हो उसमें से कुछ पैसा बचा के रखिएगा, और जो एक्चुअल आपके पास डिमांड फॉर मनी है जो आप कमा रहे हैं, तो हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि जो इनकम आया तो सम पोर्शन उसका हम सेव करें। एकदम कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कहता है कि एवरी पीपल इन द सोसाइटी हु गेट्स इनकम ही वांट्स टू कीप सम फ्रैक्शन ऑफ हिज इनकम एज आइडल कैश बैलेंस व्हेन एवर देयर इज इमरजेंसी, That money will be used. इस बात को अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आज तक ले स्वीकारा है, डॉन पेटिंकिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को कहे कि हमको ये बहुत अच्छा लगा। तो हम अपना जो क्वांटिटी थ्योरी दे रहे हैं उसका नाम दिया है रियल बैलेंस इफेक्ट, वही बताएंगे। तो वो कहे कि हमारे में ये रहेगा कैम्ब्रिज,
उन्हें नाम दे दिया कैम्ब्रिज इफेक्ट. क्या नाम दे दिया? कुछ घटना घटता है तो उसका उसी से नाम हो जाता है कैम्ब्रिज इफेक्ट. क्या कि धन दौलत सब शेयर बॉन्ड सब बताने के, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि कैम्ब्रिज इफेक्ट जो कह गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति क्यों इनकम का डिमांड करता है, इनकम के कुछ हिस्सा को क्यों रेडी रखना चाहता है, रेडी मनी आइडल क्यों रखना चाहता है, प्रिकॉशन है ना, प्रिकॉशन. वेस्ट बंगाल में गए ना तो सबके पर्स में छोटा वाला छाता था, हम कोई आइडिया नहीं था तो हम के पास नहीं था, बरसात के समय तुरंत बारिश हुई तुरंत खत्म हो गया, जैसे ही बारिश हुई सब खोला पर्स में से या VIP का निकाल के, और दूसरा कोई जरूरत हुआ तो अस्त्र का भी काम किया, शस्त्र अस्त्र है ना. तो क्या रहे आइडल, आइडल है छाता आपका बैग में, आइडल पड़ा हुआ है वो तब यूज होगा जब उसकी जरूरत हो. तो अगर आइडल मनी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसको कहा जाएगा डिमांड फॉर मनी बढ़ गया, डिमांड फॉर मनी बढ़ गया मैंने रख फंसाए, खरहा लाए मानी 10 गो खरहा लाए खरगोश झोरा बीट, 10 गो में 8 गो को आप बंद करके रखिए तो दौड़ेगा कै गो, और सबको दौड़ा दीजिए तो सब दौड़ेगा साथ साथ, तो प्राइस राइज हो जाएगा, सब बाहर निकल गया ना, जो हम दबा के पैसा रखे हुए थे वो बाहर अगर आ जाएगा तो उससे परचेज करेगा लोग. आइडल कैश बैलेंस का मतलब कि परचेज नहीं कर रहा है, पैसा है लेकिन परचेज सेविंग नहीं, सेविंग अलग चीज है. ये हो गया आइडल कैश बैलेंस, किसी भी समय डिमांड फॉर मनी है निकाल के आपको मार्केट में डाल देगा, जैसे डिमांड फॉर मनी मार्केट में बढ़ेगा तो प्राइस लेवल क्या होगा, डिमांड फॉर मनी जो है मार्केट में हुआ कि बढ़ गया, मतलब कि रुपया बाजार वहां से करा वापस किसमें चला गया, केज में पिंजरा में चला गया, खहरा दौड़ रहा है और उसमें से कुछ चला गया केज में, तो वही हो गया आइडल कैश वैल्यू. वो जो बढ़ेगा जैसे तो आधा खरा अंदर, एक आदमी जबरदस्ती ले गया जू घुमाने के लिए और गए तो सब में ताला बंद, लिखा कि बाघ अंदर अंदर सब अंदर है. कोई दिन था उस दिन वो सबका रेस्ट का दिन रहता है, बाघ आपको बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएगा, और वो आदमी को पता नहीं था. तो आप बहुत है कि आप पता कर लीजिए गूगल में कि सोमवार बंद है कि बीफे बंद है, कहीं जाइएगा तो ट्यूजडे बंद है, आप पहुंच रहे हैं एकदम हनुमान जी का नाम लेके गए तो चलो हर तरह का हनुमान जी देखेंगे भीतर. तो कहता है कि जैसे आप मनी को आइडल रखिएगा ज़्यादा तो डिमांड फॉर मनी क्या हो गया, आइडल बढ़ गया तो प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं वहाँ पर है, यही भीतरी बात है. और सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट है, जो RBI का मनी वो कांस्टेंट है, तो प्राइस को घटाने या बढ़ाने का काम कौन करता है, आइडल मनी, डिमांड फॉर मनी. ये यही निष्कर्ष निकला कि इट इज के नॉट एम विच होल्ड्स द स्टेज. ये सिद्धांत जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का है और इसका नाम है कैश बैलेंस अप्रोच. चूंकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसको विकसित किया है तो इसका नाम है कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. परीक्षा में आपको आएगा कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, आराम से सबका बात लिख देना है. टॉप में किसको हम लोग रखे हैं, केन्स को, क्योंकि यही आदमी आगे चल करके बहुत नाम कमाया, और नाम कमाया तो क्वांटिटी थ्योरी पर ही क्या किया हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे. आगे इनका क्वांटिटी थ्योरी जो है वो केन्सियन इकोनॉमिक्स में ही पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट आएगा वो भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के तरह ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फंडामेंटल इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन. अब आप पढ़े ही नहीं है BA लेवल पर कहीं, और MA लेवल में पढ़े और कहे हम पूरा केन्स जानते हैं,
तो इसलिए हम आपको हर चीज धीरे धीरे करके बताएंगे कि आप परफेक्ट आपको नॉलेज हो जाए। तो अभी हम लोग केवल एक बात उनके जीवन का बता रहे हैं जो उन्होंने अपने किताब में लिखा कि ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। किताब का नाम क्या था? ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। क्या नाम था? ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, बुक है इनका। ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। अब आप क्या कीजिए, ये तन समझ गया? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस दोनों में है। तो फर्स्ट जो है केन्स कहता है कि के महत्वपूर्ण है मूल्य परिवर्तन में, कौन महत्वपूर्ण है? के। डिमांड फॉर मनी is important in the variation of price level, in the variation of price level. फिशर कहते हैं कि नहीं, supply of money is responsible for the variation in price, variation of price level. Variation of price level. पहला आधारभूत अंतर दोनों में हो गया कि एक जो है डिमांड फॉर मनी पर जोर दे रहा है और दूसरा सप्लाई ऑफ मनी पर जोर दे रहा है। अब देखिए, सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कौन करता है? आरबीआई, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। Supply of money is institutional factor. Keynes कहते हैं कि के जो है, जो आदमी रखता है वो psychological है। आदमी जो है क्या सोच रहा है कि कितना रखे, पेसिमिस्ट रहेगा तो ज्यादा रखेगा, ऑप्टिमिस्ट रहेगा तो थोड़ा कम रखेगा। तो ये किसी के ऑर्डर से नहीं रखता है, क्या रहता है? उसका फीलिंग, साइकोलॉजिकल। वैसे इनका जो सीआरआर है तो वो फिक्स्ड है, वो तो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक फिक्स की रहती है। और के डैश जो है आइडल बैलेंस फ्रॉम द क्रेडिट मनी, ये भी उसके साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। तो आर को अगर छोड़ दीजिए
तो के और के डैश प्योरली क्या है? साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन है ना, इंस्टीट्यूशनल नहीं है। इंस्टीट्यूशन वाला में तो है कि मनी सप्लाई कर दी है जो भी फॉर्मूला लगा, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट आर, आर मतलब हो गया कैश रिजर्व रेशियो। इसको खाली मान लें कि ये अगर स्थिर भी है तो एक्सेप्ट आर डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी इज डिटरमिंड बाई, डिटरमिंड बाई साइकोलॉजिकल, साइको लॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल मतलब क्या हो? ह्यूमन फैक्टर है ना। तो ऐसे भी ह्यूमन फैक्टर जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से। साइकोलॉजी कौन किसका होगा? ह्यूमन का होगा। अभी देखिए थर्ड में है कि ये जो है डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी इज सिटिंग मनी है ना, सीट मैंने बैठना, सीटिंग मनी आइडल मनी की इज आइडल मनी, आइडल मनी। ये जो है मनी ऑन विंग्स उड़ने वाला, रनिंग, सप्लाई ऑफ मनी क्या है? रनिंग है। मनी ऑन विंग्स, रनिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होगा? रनिंग है। डिमांड फॉर मनी आइडल है और सप्लाई ऑफ मनी क्या है? रनिंग है। तो केन्स कहते हैं कि इन रियल लाइफ में ह्यूमन फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राइस में जो वेरिएशन हो रहा है उसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देयरफॉर ह्यूमन साइकोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन के। और तब इसी पर ही कहते हैं कि इट इज के नॉट एम व्हिच होल्ड्स द स्टेज, होल्ड्स द स्टेज, होल्ड्स द स्टेज। ये जो है के महत्वपूर्ण है। प्राइस राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके जिम्मेदारी किस पर है? के पर है, क्योंकि मनी सप्लाई तो फिक्स्ड। अब इंडिया में मनी सप्लाई रिजर्व बैंक करती है। अंग्रेज जब था तो भारत का जो मनी सप्लाई क्या था? 2/5:3/5। 2/5 का मतलब हो गया 40% और 3/5 का मतलब हो गया 60%। तो आरबीआई जो है अंग्रेज के जमाने में 1935 में आरबीआई बना, उसी समय से एक्ट था, बोला कि हर हालत में 40 करोड़ का सोना दीजिए तो हम 60 करोड़ का नोट छाप के आपको देंगे। इसलिए आप देखिए एक अंग्रेज के जमाने में दाम एकदम कम रहता था, तो पैसा ही नहीं था, मनी सप्लाई ही टाइट था, मनी सप्लाई टाइट था। 60 करोड़ का अगर आप 40 करोड़ की जगह पर 400 करोड़ अगर आप 400 करोड़ का सोना दीजिएगा तो रिजर्व बैंक आपको कितना नोट छाप कर देगा? 600 करोड़। और देश आजाद हो गया लेकिन ये नोट इशू का जो फॉर्मूला था वो आपको, नोट इशू का जो फॉर्मूला था वो आपको वही था,
2/5 3/5. और नेहरू जी अचानक उनके दिमाग में आ गया कि भारत का विकास करने के लिए हमको इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा. वो स्टील इंडस्ट्री छोटा सा था टिस्को, और इतना विशाल देश. उनके दिमाग में आया कि स्टील सीमेंट ये सब जरूरी है देश के विकास के, और सरकार इसको बनाई. तो इंग्लैंड से, रूस से, जर्मनी से विदेशी मुद्रा कर्ज ले लिए. आ सोचे कि देश का तो मुद्रा रिजर्व बैंक है ये. रिजर्व बैंक से कहे कि हमको चाहिए मनी, तो बोला कि लाइए. ये बोले नेहरू जी क्या चीज ला रहे, तो वही 2/5 3/5 का ही क्या है. कहा कि 40 करोड़ का सोना दीजिएगा तब आपको हम 60 करोड़ नोट छाप के देंगे. तू तो बोले कि हमको बहुत ज्यादा नोट चाहिए, देश का विकास करना है. तो राव नाम का था, देखिएगा गूगल में, 1956 में राव नाम का था जो डिप्टी गवर्नर था, गवर्नर था. वो कहा कि नेहरू जी को कि नो आई कैनॉट गिव. नेहरू जी फुल मेजोरिटी वाला सरकार बोला है सबको, बोला ये जो 2/5 3/5 इसको काट के फेंको. नया नियम लाए कि 200 करोड़ हम आपको यहाँ रख देते हैं विश्वास के लिए, उसमें 115 करोड़ का हम सोना दे देते हैं और 85 करोड़ का डॉलर दे देते हैं. बस ये हो गया, अलमारी में रखा रहेगा और नोट छापिए जो बजट कहता है. तो कहा आई रिजाइन कर, जाओ रिजाइन करो. उर्जित पटेल का रिजाइन तो रिजाइन करो, जो सरकार चला रही है उसका अपना. और एक्ट बदल दिया, पहला वाला 2/5 3/5 का नाम क्या था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम. 40 करोड़ का सोना दो तो 60 करोड़ का हम नोट देंगे. और नेहरू जी जब आए तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को हटा दिए और ले आए मिनिमम रिजर्व सिस्टम. ये रखा हुआ है अलमारी में, देखिए 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ का डॉलर. अब बस नोट छापिए जो देश की जरूरत है ना. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि CRR हमारा जो है वो रिजर्व बैंक लेके नोट छापती है. CRR फिक्स रहता है, कमर्शियल बैंक से नोट क्रेडिट क्रिएशन होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखें. तो हम लोग अब निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इट इज के नॉट एम विच होल CST. और ये सारी बात जो हम लोग कह रहे हैं ये 1925 के पहले की है. क्या है? 1925 से पहले की है. 1911 में फिशर का आया, आई उठा पटक चला, और 1925-26 आते आते मार्शल का डेथ हो गया और केन्स जो हैं वो कहे कि अब हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं. इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ये जब तक मार्शल थे चुपचाप ही थे, मार्शल जैसे उनका डेथ हुआ तो ये कहे कि इस सिद्धांत से सही रूप से पता नहीं चल रहा है. तो हम ऐसा करते हैं, इस पर रिसर्च करके निकालते. दो वॉल्यूम में किताब लिखा है, ट्रिटाइज ऑन मनी, ट्रिटाइज ऑन मनी, दो वॉल्यूम. और उस पर उन्होंने दिया फंडामेंटल इक्वेशन जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.